हेलो एवरीवन दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन ऑफ एन सी आर टी क्लास नाइन चैप्टर सिक्स लाइन्स एंड एंगल्स सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दैन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी इस फिगर में एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी ये वाला एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पी आर टी के हमें यह प्रूव करना है तो चलिए स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है हमें तो यहां पे हमें गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल है एंगल पीआरटी के प्रूफ अब एस टी स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये ऑपोजिट रे है दो ये ऑपोजिट रे है बिल्कुल तो ये एस टी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे इट मींस कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर टी सॉरी पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर ठीक है इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं ठीक इसी तरह से यहां पर एंगल पी आर टी और एंगल पी, क्यू, पी आर क्यू ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं इट इन दोनों के एंगल का सम भी 180 होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके 180 बना रहे हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज़ इक्वल टू वन एटी डिग्री रीजन वही लीनियर पेयर ये हमारे इक्वेशन टू तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से फ्रॉम वन एंड टू अब देखिए ये भी इक्वल है वन एटी डिग्री के ये भी इक्वल है वन एटी डिग्री के तो ये दोनों भी इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू ठीक है अब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो पी क्यू आर है ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल दोनों इक्वल है तो हम इन दोनों को एक ही लिख सकते हैं इट मीन्स कि पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर ज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस मैं पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख सकती हूं क्योंकि दोनों इक्वल हैं ये हमें गिवन है तो पी क्यू आर लिखा है हमने क्योंकि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू की और ये हमें गिवन है ठीक है अब पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल अब क्या बचा हमारे पास पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी यही हमें प्रूफ करना था पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी तो ये प्रूफ सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर थ्री काफी इजी क्वेश्चन है आई होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो